महाराष्ट्र में भाजपा विधायकों की क्रीदो फोकत करने में नाकाम रही है। ये लोकतंत्र की जीत है, जिस तरह से पूरे देश में विभिन्न राज्यों में भाजपा ने विपक्ष के विधायकों को क्रीदने का खेल शुरू किया था, महाराष्ट्र में इस पर रोक लगी है, क्योंकि कोई भी विधायक भाजपा नेताओं के चंगुल में नहीं फंसा है। ये विचार हिमाचल प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता दीपक शर्मा ने व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि हम महाराष्ट्र के सभी भाजपा विरोधी जीते हुए विधायकों को सलाम करते हैं, जिन्होंने दल बल पर लोकतंत्र को खरीदने में लगे सत्ता के दलालों को कोई बात नहीं दिया है। भाजपा इस सोच में भी थी कि जिस तरह दूसरे राज्यों में विपक्ष को तोड़कर सरकारें बनाई, उसी तरह महाराष्ट्र में भी बना लेगी, लेकिन वहां के विधायकों ने उच्च आदर्शों से भाजपा को हरा ही दिया। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने में असफल रही है। हमारा ये मानना है कि ये लोकतंत्र की जीत है। आज पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी ने धन बल के बूते बहुत जगह पे अल्पमत सरकारों के जो है वो सरकारें बनाई और वहाँ पर एमएलए विधायक दूसरों को खरीद कर सरकार बनाई। लेकिन महाराष्ट्र में जिस तरह से वहाँ के चुने हुए विधायकों ने जो है वो अपने दृढ़ विश्वास और निश्चय दिखाया है, सच में महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के अतिरिक्त जो भी विरोधी लोग जीते हैं, चाहे वो एनसीपी के हैं, चाहे कांग्रेस के हैं, चाहे शिवसेना के हैं, चाहे निर्दलीय हैं, सभी विधायकों को हमारा सलाम, जिनकी वजह से देश में लोकतंत्र जो है उसकी जीत हुई है। आज लोकतंत्र जीता है और धन बल हारा है। पूरे देश में ये संदेश गया है कि महाराष्ट्र में जो चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के अथकंडों को अब जो है वो मंजूर नहीं किया, नामंजूर किया, जिसकी वजह से आज भारतीय जनता पार्टी को वहाँ पे सरकार बनाने में जो है वो पीछे हटना पड़ा। ये इसमें कोई दो राय नहीं कि लोकतंत्र की जीत है और धनबल की हार हुई है।